नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 भक्ति में। सनातन धर्म में नवरात्रि का खास महत्व है और अगले हफ्ते से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। वही हिंदू पंचांग के मुताबिक हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है और इस बार नवरात्रि सूर्य ग्रहण के साय में पड़ रही है। वही सूर्य ग्रहण का असर हर जीव जंतु पर पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन राशियों पर यह संयोग शुभ प्रभाव डालेगा। आपको बताते चले कि 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वही ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होकर रात के 2:25 पर समाप्त होगा। वही नवरात्रि की शुरुआत यानी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर शनिवार को रात 11:24 से लग रही है और 16 अक्टूबर सोमवार को देर रात 12:32 पर समाप्त होगी। हालांकि सूर्य ग्रहण का नवरात्रि पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य ग्रहण का समापन रात्रि में ही हो जाएगा। वही उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि 15 अक्टूबर को मनाई जा सकेगी, इसलिए सभी शुभ कार्य हो सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वहीं सूर्य ग्रहण और नवरात्रि के एक ही दिन पड़ने के चलते इसका असर सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा। वहीं कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो कुछ राशियों पर सकारात्मक। तो आइए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिन पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शारदीय नवरात्रि बहुत शुभ होने वाली है और इस राशि पर मां दुर्गा का आशीर्वाद बरसेगा। वहीं माता रानी की कृपा से उनके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। वहीं 9 दिनों तक इन जातकों का जीवन बेहद ही सुखमय बीतेगा। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए भी शारदीय नवरात्रि शुभ होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये 9 दिन अहम होंगे और उन्हें कई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। वही नौकरी पेशी वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी और प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये साल सबसे अच्छा समय होगा। वही आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। सिंह राशि। इस राशि के लिए नवरात्रि के 9 दिन साल के सबसे अच्छे और शुभ होंगे और इन 9 दिनों में जातक को कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिससे उसका भाग्य बदल सकता है। वही नौकरी पेशा करने वालों को प्रमोशन का शुभ समाचार मिल सकता है और 9 दिनों तक सच्चे मन से माता रानी की उपासना करें, उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे N27 भक्ति। भक्ति ही शक्ति है।